हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का भाग। भिन्न का भाग हम कैसे करते हैं? भिन्न का भाग करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी साधारण भिन्न ले लेते हैं या कोई भी साधारण सिंपल फ्रैक्शन ले लेते हैं। इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन जिसे 2/1 क्या है, 2/3, 2/3 हो गया, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे कोई भी फ्रैक्शन का, लिख लेते हैं 5/7। अगर हमें इसका डिवाइड करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में अगर डिवीजन दिया हो तो सिंपल जो पहला वाला फ्रैक्शन रहता है उसको जैसे कि तैसे उतार लेते हैं और हमेशा डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो इधर का 5/7 दिया है यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 7 दिया है उसको ऊपर कर लेंगे और जो 5 न्यूमरेटर में दिया है उसको डिनोमिनेटर बना लेंगे। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर बनाकर हल कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या करना है, सिंपल ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 इक्वल कितना आ गया, 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी इसका आंसर कितना आया 14/15। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर जब भी हम भाग देते हैं भिन्नों का तो कभी भी इस संख्या को हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हमेशा इस संख्या को ही न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए एक दो फ्रैक्शन और देख लेते हैं, जैसे 2 में अगर हमें किसी भी संख्या का भाग देना हो, कोई भी फ्रैक्शन का भाग देना हो, जैसे 3/5 का भाग देना है, क्या करना है, 3/5 का भाग देना है या 3/10 कर लेते हैं। ठीक है, 3/5 का भाग देना है या डिवीजन करना है तो सिंपल क्या कर लेंगे, 2/2 जैसे कि तैसे रखेंगे और इसका न्यूमरेटर 1 मान लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 5 है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और 3 है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, 5 को न्यूमरेटर मानते हैं और 3 को डिनोमिनेटर, यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब क्या करेंगे, ऊपर सिंपल ऊपर का ऊपर पूरा 2/5 1/3 2/5 1/3 = 10/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब एक मीन रिफ्लेक्शन का भी देख लेते हैं कि मीन रिफ्लेक्शन का हम कैसे डिवीजन करेंगे, तो कोई भी मीन रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ये मीन रिफ्लेक्शन है, इसका हमें अगर करना हो डिवीजन करना हो तो इस फ्रेमिंग रिफ्लेक्शन का हम डिवीजन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में परिवर्तित कर लेंगे या चेंज कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, इसका भी इसमें गुणा कर लेंगे और इसको प्लस कर देंगे, तो 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 और 10 × 3 का जोड़, 10 × 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/5 हो गया, और फिर डिवीजन इसका 3 × 9 = 27 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32/9 हो गया, 32/9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वल करके अब देखिए 13/5 इसको ऐसे ही रख देंगे और इस वाले संख्या इधर जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अगली वाले फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13/9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 × 9 = 27 2 9 × 9 = 11 39 × 170 और 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 10 और 5 × 15 = 16। समझे बच्चे, ये हमारा आंसर आ गया, आप लोगों को ये समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।